हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडेड। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। हम इनका बेसिक डेफिनेशन और इनका जो डिफरेंस है वो देखेंगे और आने वाले लेक्चर्स में हम आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? 1973 में जो वर्ड था एक्सपेंड हो रहा था, तो कहीं कंपनीज थी जो इंटरनेशनल लेवल पे अब आने लग गई थी। तो अब उन्होंने जब इंटरनेशनल ट्रेड करना था तो उनको एक सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चाहिए था जिससे कि वो एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो कि अगर एक कंपनी में भी वो चल रहा है, कंट्री में भी और दूसरी कंट्री में भी वो वैसा ही कुछ चल रहा है। तो इसीलिए 1973 में एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई जिसका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी। इसको काम दिया गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखेगी जो इंटरनेशनली यूज़ होंगे। तो ये जो हमारी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी थी, ये ईयर 2000 तक रही और इसने 41 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स दिए जिन्हें हम बोलते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या IAS। ठीक है, IAS का डिफरेंस पता चल गया। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आते हैं IFRS। इसके बाद एक बोर्ड बनाया गया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड 2000 तक तो वो कमेटी थी, उसके बाद बोर्ड आ गया। अब इस बोर्ड ने क्या करा? इस बोर्ड ने बोला कि जो उस कमेटी ने हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स दिए वो तो हम अडॉप्ट कर ही रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो हम स्टैंडर्ड इशू करेंगे उसको हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बुलाएंगे। तो ठीक है, जो हमारे IAS थे वो ईयर 2000 तक थे, ईयर 2000 के बाद जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इशू हुए उसको हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। इसके बाद आता है गैप। गैप क्या होता है? गैप होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब ये कब आए? ये आए 2008 में और इनको इशू किया फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। अब ये क्या है? ये एक्चुअली में होता है US कंपनीज जो हैं ये वो अडॉप्ट करती हैं गैप, और जो बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अडॉप्ट करती हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो बेसिकली ये डिफरेंस है। अब क्या हो रहा है? जो गैप को है IFRS की लाइन में लाया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। जो इसके आगे डिफरेंस है, आगे हमारे कौन से ये स्टैंडर्ड्स हैं या NDAs क्या है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो अभी हमारा जो बेसिक पर्पज़ था वो सिर्फ इनके बारे में थोड़ा जानना था कि डिफरेंस क्या है और बेसिक क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी फीडबैक हैं या क्वेरी हैं तो आप conceptdecoded@gmail.com पर हमें लिख सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कीप लुकिंग एट द स्पेस फॉर मोर। थैंक यू सो मच।